बैक माय न्यू ब्लॉग। आई होप फ्रेंड्स कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। फिर से आ गए प्यारा सा नया सा ब्लॉग लेके। तो आज हम लोग कहीं जा रहे हैं दर्शन करने, और कहाँ जा रहे हैं चलिए आपको बता देती हूँ। हम लोग मिर्जापुर जा रहे हैं विंध्यवासिनी मैया का दर्शन करने, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताई थी कि कल ही हम लोग जाने वाले थे, लेकिन कल बारिश की वजह से नहीं जा पाए। तो आज हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए, आप लोगों को भी मैं माता रानी का दर्शन कराती हूँ। तो इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा, और वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो या ब्लॉग मैं अपलोड करूं तो आपके फ़ोन में सबसे पहले पहुंचे और आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज मैं आप लोगों को भी माता रानी का दर्शन कराती हूँ। तो चलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए फ्रेंड्स, आगे मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइज देखिए, आज हम दो हमारे दो घर से निकल गए हैं, यानी कि मैं हस्बैंड और हमारे दोनों बच्चे, चारों लोग निकल गए हैं घर से और जा रहे हैं दर्शन करने। तो आज अम्मा पिताजी नहीं जा रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे मतलब कि हम लोग विंध्याचल जा रहे हैं दर्शन करने, या फिर कहीं भी जाते हैं ना तो अम्मा पिताजी को साथ में लेके जाते हैं, लेकिन इधर बीच ऐसा हो जा रहा है कि पिताजी की वजह से अम्मा भी नहीं जा पा रही हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पिताजी को थोड़ा सा पैरों में परेशानी है, तो भीड़ भाड़ वाले प्लेस पर वो नहीं एडजस्ट कर पाते हैं, तो इसलिए पिताजी नहीं जाते हैं, तो उनकी वजह से अम्मा भी नहीं जा पाती हैं। तो आज हम ही लोग जा रहे हैं गाइस विंध्याचल, पहली बार हम लोग अकेले जा रहे हैं, नहीं तो अम्मा पिताजी साथ में ही हमेशा जाते हैं। तो क्या है कि चलिए अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स विंध्याचल मंदिर के बारे में थोड़ा सा। तो यहाँ हम लोग देखिए हाईवे पे पहुंच गए हैं, और आप लोगों को मैं बता दूं कि जब भी हमारे भारत देश में धार्मिक स्थलों में मतलब कि धार्मिक स्थलों का नाम लिया जाता है, तो उसमें से एक विंध्याचल का देवी का भी नाम आता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। और विंध्याचल मंदिर जो है मिर्जापुर जिले में स्थापित है, जहां विंध्यवासिनी मैया की स्थापना हुई है। तो गाइस देखिए हम लोग बात करते करते जो है मिर्जापुर जिले में आ गए हैं, और यहाँ देखिए गंगा मैया का तट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ मतलब कि गंगा मैया एकदम सूख गई है, सिर्फ रेत ही रेत दिखाई दे रहा है, थोड़े थोड़े पानी सिर्फ है। तो हम लोग पुल पर से जा रहे हैं। तो गाइज मतलब कि जौनपुर से जो है पहले मड़ियाहूं, फिर बहुत सारे मतलब कि पढ़ते हैं, लेकिन जिला जो है जौनपुर के बाद भदोही, फिर औराई, फिर मिर्जापुर आता है। तो तीन मतलब तीसरा जिला ये जौनपुर के बाद ही आता है। तो मिर्जापुर में फ्रेंड्स, मिर्जापुर जो है 70 किलोमीटर लगभग पड़ता है जौनपुर से, 70 या 75 किलोमीटर पड़ता है। और विंध्याचल जो मंदिर है, यानी कि जो विंध्याचल है स्थान, वहाँ मतलब जौनपुर से 80-85 किलोमीटर पड़ता है। तो ये है विंध्याचल मंदिर का मतलब की दूरी हम आपसे आपको बता रहे हैं गाइस जौनपुर से। और यहाँ देखिए जो है ये मिर्जापुर का जो है ये किला, पुराना किला है, ये दिख रहा है आप लोगों को थोड़ा सा, मैं दिखाते हुए चल रही हूँ। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, मिर्जापुर में तीन मंदिरों की मुख्य मतलब की स्थान है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण मंदिर माना गया है। नंबर एक में विंध्याचल, फिर अष्टभुजी, फिर कालीखो। ये तीन मंदिरों का बहुत ही महत्व दिया गया है हमारे धार्मिक गाथाओं में और धार्मिक स्थलों में, इन तीन मंदिरों का नाम आता है। तो आप चलिए अब आज न आप लोगों को मैं पूरा जो है जो नवीनकरण हुआ है मंदिर का, यानी कि मोदी और योगी जी जो हैं विंध्याचल मंदिर का नवीनकरण करवाए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे से बनवा दिए हैं। तो आज मैं सारा ओवरव्यू मैं दिखाने की कोशिश करूंगी, तो प्लीज आप लोग वीडियो की एंड तक बने रहिए, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। आज का ब्लॉग आप लोगों को बहुत ही यूनिक देखने को मिलेगा। 2024 का ये मंदिर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, जबकि जो बहुत पहले कई लोग आए होंगे, लेकिन ऐसा मतलब कि आप लोग पहले ऐसा मंदिर नहीं देखे होंगे। अभी इसका जो नवीनीकरण हुआ है, जो नया मतलब कि बना है ना, बहुत ही अच्छा बन गया है विंध्याचल। तो यहाँ देखिए हम लोग विंध्याचल मंदिर के पास आ गए हैं गाइज, और यहाँ जो है हम लोग अपना गाड़ी जो है पार्किंग में कर रहे हैं, तो यहाँ आप बस से भी आ सकते हैं, अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं अपने साधन से, यानी कि, और ट्रेन की भी सुविधाएं हैं। आप जहाँ से आए वहां से हर सुविधाएं आपको मिल सकती हैं। अगर आप मतलब कि आसपास के जिलों में हैं तो आप बस से भी आ सकते हैं, अगर दूर से हैं तो आप ट्रेन से भी आ सकते हैं। तो गाइज यहाँ देखिए हम लोग जो है पार्किंग कर दिए हैं गाड़ी को, और यहाँ काफी स्पेस है इस गैरेज में। तो आप मतलब मैं पहले भी आई थी 2022 में, 2023 में मैं नहीं आ पाई थी। ऐसा मतलब कि पहले तो हम लोग हर साल आते थे, लेकिन 2023 में हम लोगों का मिस हो गया था किसी वजह से।
तो नहीं आ पाए थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं गाइस, 2024 में हम आए हैं और इसी गैरेज में हम गाड़ी खड़ा किए हैं जिसमें पहले की थी हम लोग, मतलब पहले किए थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। तो यहीं से हम लोग माला फूल भी लेंगे क्योंकि यहीं जब गाड़ी खड़ा किए हैं तो यहीं से माला फूल और चुदरी भी लेंगे। तो यहाँ चप्पल जूते हम लोग निकाल के हाथ पैर को धो लेते हैं और उसके बाद जो है माला फूल लेके चलते हैं दर्शन करने माता रानी का। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ मतलब साफ सफाई नाम का कुछ भी नहीं है, बहुत गंदगी है, लेकिन फिर भी चलिए चलते हैं। तो अब क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो यहाँ मैं नारियल चुदरी और श्रृंगार का सामान और प्रसाद भोग लगाने के लिए सो मतलब कि मैं पैक करवा ले रही हूँ, बदवा ले रही हूँ। और उसके बाद जो है अब हम चलते हैं। और आप लोगों को ना आज मैं बहुत ही अच्छा ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। और गंगा का जो तट है उसका भी सुंदरीकरण हुआ है, वो भी बहुत ही अच्छा बन गया है। तो आप लोग प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, माता रानी का दर्शन करिए और गंगा के तट पे भी साथ साथ चलिए। तो यहाँ देखिए अब हम आ गए हैं गाइस मंदिर के जस्ट सामने। और ये गेट के जो मंदिर का जो मेन गेट है ना, वहां से एंट्री होती है। मैं लौटते टाइम आप लोगों को मैं दिखाऊंगी क्योंकि बीच से ही हम लोग रास्ते से चले आए थे गैरेज में से। तो यहाँ आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ से हम लोग पद यात्रा करते हैं। और जो है आप देख सकते हैं जो दीवाले हैं पत्थरों की बनी हुई दीवाले हैं, ये ईंटों से, ईंट से नहीं बनाया गया है, ये पत्थरों से बनाया गया दीवार है। पहले नहीं ऐसा था लेकिन अब ऐसा बन गया है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनवाया गया है। और अभी भी इसमें काम अभी भी हो ही रहे हैं, थोड़े बहुत काम बाकी हैं गाइस। तो आप देख सकते हैं किनारे किनारे सारी दुकानें लगी हुई थी और जस्ट सामने आपको मंदिर का गेट दिख रहा होगा। अब यहीं से हम लोग मंदिर में एंट्री करते हैं। तो चलिए गाइस, आप लोगों को मैं दिखाते हुए चल रही हूँ। और मतलब आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ से जो है यहीं से माता रानी के मंदिर का शुरुआत होता है, यहीं से हम लोग चलते हैं। तो बहुत ज्यादा भीड़ थी जबकि हम लोग 8:30 बजे तक मंदिर में एंट्री कर दिए थे, उसके बावजूद आपको मैं दिखा रही हूँ इतनी लंबी लाइन लगी हुई है कि अगर इस लाइन में हम लोग लगते ना तो 2-3 घंटे कम से कम लग जाते दर्शन में। तो मतलब एक पंडा आए और वो बोले कि चलिए हम आप लोगों को दर्शन करा देते हैं। तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ पैसे दे के पंडा को और साइड से ही दर्शन कर लेते हैं। तो चलिए, और अच्छे से दर्शन मिल जाता है माता जी का, कम से कम मतलब कि देखने को मिल जाती है माता रानी। नहीं तो इतना ज्यादा भीड़ रहता है ना कि माता रानी जल्दी देखने को भी नहीं मिलती हैं। तो हम लोग चलते हैं गाइस, और यहाँ आप देख सकते हैं लाइन में तो लगे हैं लेकिन बस मतलब कि ये है कि थोड़ा सा आगे आ गए हैं। ऐसा नहीं है कि लाइन में नहीं लगे हैं, लाइन में हम भी लगे थे। आधा घंटा तो खड़ा होना ही पड़ा हमें, जो 2-2.5 घंटे का सफर था वो आधे घंटे में आके समाप्त हो गया। तो गाइस देखिए, यहाँ आपको मैं दिखाते हुए चल रही हूँ, ये मंदिर है और ये मतलब कि जैसे पहले था पुराना मंदिर वैसे अभी भी है, लगभग मतलब कि थोड़ा बहुत अंतर हुआ है। और यहाँ देखिए आप देख सकते हैं दीवारों में कितने अच्छे तरीके से मूर्तियां बनाई गई हैं, मतलब और यहाँ ना जैसे जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो वहाँ आप लोगों को साइड में दिख रही होंगी, कुछ लेडीज लोग बैठी थी। तो मैं पहली बार देखी कुछ नकारात्मक शक्तियां जैसे जिसको परेशान करती हैं वो भी यहाँ मतलब कि देख रहे थे कि वो भी मतलब कि कुछ पंडित लोग उसको दूर कर रहे थे। तो मैं फर्स्ट टाइम ऐसा देखी, पहले मैं कभी नहीं देखी थी ऐसा, तो बड़ा जैसे अजीब सा लग रहा था मुझे। तो क्या है गाइस, अब चलते हैं। और यहाँ जो है ना कैमरा अलाउड नहीं है अंदर ले जाना, मेन जो माता रानी का जो मूर्ति जहाँ है ना वहाँ कैमरा अलाउड नहीं है क्योंकि पुलिस फोर्स पूरा मतलब कि तैनात किया गया रहता है, हमेशा पुलिस फोर्स यहाँ लगी रहती है। तो यहाँ देखिए हम लोग घंटा ध्वन बजाते हुए मंदिर में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और बस यहाँ देखिए, यहाँ माता रानी का मंदिर, मेन मंदिर यही है। तो बस मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दे रही हूँ किसी तरीके से, मेन मंदिर यही था। बहुत मुश्किल से वहां का वीडियो मैं क्लिप कर पाई हूँ चोरी से, क्योंकि पुलिस फोर्स मना कर रहे थे कि मोबाइल यहाँ ऑन नहीं करना है। तो बच्चों का और हस्बैंड का भी मुझे बहुत डांट खाना पड़ता है ऐसे जगहों पे, क्योंकि मतलब कि बस ये क्या करें हम यार, बस वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना रहता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ अच्छा से अच्छा वीडियो, कुछ नया
लाऊं वीडियो, और आप लोग प्लीज आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। तो यहाँ देखिए आप देख सकते हैं दिया और धूप बत्ती जो भी जलाना रहता है ना, बाहर आके जलाते हैं, सिर्फ वहां मंदिर के अंदर माला फूल नारियल चुदरी ही चढ़ाया जाता है। तो चलिए गाइज, यहाँ पे हम लोग दर्शन करते हुए आ गए हैं बाहर के साइड में, और ये आप देख सकते हैं, ये देखिए दीवारें कितनी खूबसूरती से बनाया गया है। तो यहाँ एक बच्चा आके चंदन लगाने लगा, तो मैं सोची चलो इसका भी वीडियो शूट कर लेते हैं। बच्चे और हस्बैंड इन लोगों को पहले ही लगा दिए थे ये लोग। तो आप देख सकते हैं ये है मंदिर का गुंबज, मतलब कि मेन मंदिर का गुंबज है, और किनारे किनारे इस तरीके से दीवारें बनवाई गई हैं। तो इसमें गाइस ना करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, और पूरा पत्थरों से बनवाया गया है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, रियल में आपको मैं बता दूं इतना सुंदर लग रहा था कि पूछिए मत। तो चलिए मैं आपको दिखाते हूँ परिक्रमा करते करते सारा वीडियो, मैं मतलब कि सारा जो है मंदिर का व्यू आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं थोड़ा सा प्रियम से बोली कि तुम थोड़ा सा बना लो, क्योंकि एक हाथ में मैं फूलों की टोकरी मतलब कि प्रसाद की टोकरी ली थी, और एक हाथ से कंटिन्यू कैमरा पकड़ी थी ना मोबाइल को, तो मेरे हाथों में दर्द होने लगा। तो मैं प्रियम से बोली थोड़ा सा तुम बना लो वीडियो, क्योंकि बच्चों को ना क्या है कि वो लोग बस इन सबसे दूर, हमारे बच्चे खास तौर से इन सबसे दूर रहना चाहते हैं। तो नमन तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहता है, प्रियम को मैं गाइस थोड़ा बहुत बोलती हूँ तो थोड़ा बहुत बना लेता है। तो यहाँ आपको मैं दिखाते हुए चल रही हूँ, देखिए कितना खूबसूरत आपको दिख रहा होगा ये दीवारें, और ये पत्थरों से दीवार बनाया गया है, और देखिए कितनी खूबसूरती से इसमें मतलब कि दीवारों को बनाया गया है, आप देख सकते हैं गाइस। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है ये मंदिर का ओवरव्यू, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अभी तक यहां तक अगर आए हैं आप लोग देख रहे हैं, तो आगे भी बने रहिए, आगे और भी इंटरेस्टिंग मतलब कि देखने को मिलेगा। आगे गंगा मैया का जो सुंदरीकरण किया गया है, उनके तट का सुंदरीकरण किया गया है, उसको भी मैं आप लोगों को दिखाते हुए चल रही हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए अब यहाँ से मैं हम लोग चल रहे हैं ऊपर, ऊपर भी मतलब कि वहां भी थोड़ा सा पूजा उजा होता है। तो पहली बार हम लोग चल रहे हैं, ऐसा पहली बार हुआ है कि ये मतलब कि पहली बार हम लोग ऊपर जा रहे हैं। यहाँ देखिए नीम का पेड़, बहुत ही विशाल नीम का पेड़, यहाँ मतलब कि माना गया है नीम के पेड़ में देवी मैया का वास होता है। तो इसलिए हर मंदिर में आप लोगों को नीम का पेड़ जरूर मिलेगा, अधिकांश मतलब कि देवी माँ का जो मंदिर है। तो यहाँ अब हम लोग आ गए हैं फ्रेंड्स ऊपर, और ऊपर जो है परिक्रमा करते हुए यहाँ भी देखिए जो ये गुंबज बना है ना माता रानी के मंदिर का, तो वहां भी पूजा पाठ होता है। तो यहाँ भी हम लोग पैर छूते हुए बस परिक्रमा करते हुए आप देख सकते हैं, यहाँ भी देखिए ये गुंबज है और माता रानी का ध्वजा जो है टंगा हुआ है, लहरा रहा है ध्वज जो है। और आपको ऊपर से मैं नीचे का व्यू दिखा रही हूँ, देखिए कितना मतलब कि भीड़ है अभी, जबकि मॉर्निंग का टाइम है, 9:15 बज रहे थे इस टाइम, और आप देख सकते हैं कितना ज्यादा भीड़ है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा गाइज, वैसे वैसे जो है यहाँ भीड़ बढ़ती जाती है। तो चाहे आप किसी भी सीजन में आएंगे आपको ऐसे ही भीड़ मिलेगी, बस जो है वो एक कुछ टाइम में जैसे खरवास उरवास का मंथ जो चलता है ना, उस टाइम में आपको यहाँ भीड़ थोड़ा सा देखने को कम मिलेगा। तो यहाँ गाइज आप देख सकते हैं यहाँ भोलेनाथ का शिवलिंग कितना मतलब अच्छे तरीके से स्थापित किया गया, बहुत ही सुंदर मुझे लगा शिवलिंग भोलेनाथ का। और यहाँ देखिए माता पार्वती और भोलेनाथ की मूर्तियां स्थापित की गई थी, और ये पुरानी मूर्तियां यहाँ रखी गई हैं। तो चलिए बाहर चलते हैं, और यहाँ दीवारों पे भी कुछ भगवान की और देवी मैया की मूर्ति को मतलब टाइल्स पत्थर पे लगाया गया है। तो यहाँ फ्रेंड्स देखिए जो है भगवान विष्णु की स्थापना की गई है, और इसके बाहर चलते हैं तो यहाँ हनुमान जी की स्थापना की गई है। मैं यहाँ पहले ही दर्शन कर ली थी, अब बाहर निकलते टाइम जो है फिर से मैं आप लोगों को मैं दिखा दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ से बाहर, और मैं आपको ये दिखा रही हूँ, देखिए जो है एक गली ये भी गई है, मंदिर से ही इसका दरवाजा है, मतलब मंदिर से ही इसका आने जाने का रास्ता है। तो इससे भी आप मतलब इस रास्ते से भी आ जा सकते हैं। तो यहाँ हम लोग पता कर रहे थे कि जो नया घाट बना है गंगा मैया का वो किस रास्ते से है, तो कोई बताया, तो यहाँ हम लोग आ गए हैं। तो यहाँ देखिए इस रास्ते से मंदिर के अंदर से ही रास्ता गया है, ये आप देख सकते हैं, और कितनी खूबसूरती से फ्रेंड्स ये देखिए रास्ता मतलब जो गंगा मैया का घाट का जो रास्ता बनवाया गया है, यहाँ देखिए कितना अच्छा लग रहा है।
तो यहाँ से हम लोग चलते हैं तट गंगा के घाट पे, यानी कि गंगा के किनारे, और वहां देखते हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत मुझे ये चीज लगा। और ये देखिए गंगा मैया की, मैया का ये जो है मेन गेट है, यहाँ से एंट्री होती है आने जाने का किनारे घाट से। तो चलिए यहाँ से हम लोग माला फूल मतलब दीपक ले लेते हैं और सुहा का सामान और माला फूल लेते हैं। और इसके बाद जो है हम यहाँ आए थे तो हम सोचे चलो गंगा मैया का भी पूजा कर लेते हैं। तो मैं यहाँ सिंदूर से जो है पत्थरों पे टीक दी थी, तो यहाँ पत्थर तो मुझे इस यहाँ दिखे नहीं, तो बस उधर थे तो यही बोरी रखी थी, मतलब कि बोरियां बिछाई गई हैं बालू भर के, पता नहीं क्या है इसमें, मतलब आने जाने के लिए रास्ता। तो यहीं पे मैं सिंदूर से टीक दी थी और मतलब गंगा मैया के नाम पे। और उसके बाद इतनी तेज हवा थी ना कि दीपक मैं जलाने की बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन दीपक जल नहीं रहा था। तो फिर भी मैं कोशिश करती ही रही, तो फाइनली दीपक जल तो गया लेकिन फिर भी बुझ गया। उसके बाद मैं हस्बैंड से बोली कि आप थोड़ा सा पकड़िए तो मैं किसी तरह से जलाती हूँ दीपक। तो फाइनली जिसे कहा गया है ना कि अगर आप किसी काम को करने की कोशिश करें तो क्यों नहीं होगा, तो यहाँ दीपक जला लिए हैं हम। और उसके बाद किसी तरह से हाथों से मतलब कि ढक के इसको लेके चलते हैं दीपक को, गंगा मैया को दिखा के उनका पूजा करते हैं। और आश्चर्य की बात एक, जब तक दीपक नहीं जल रहा था नहीं जल रहा था, और जलने लगा तो इतनी तेज हवा में भी जब मैं इसको डाली दीपक को, तो ये जलता हुआ दीपक जो है आगे बढ़ता गया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। प्रियम जो है इसका वीडियो पूरी तरह से शूट नहीं कर पाया है। और उसके बाद फ्रेंड्स क्या है कि सुहाग का सामान माला फूल भी हम चढ़ा दिए गंगा मैया को, उनकी पूजा कर लिए हैं। और यहाँ धूप बत्ती जो था इसको भी दिखा दे रहे हैं। और दिखाने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं गंगा का किनारा, यहाँ ये बोट जो रखा गया है ना, यहाँ पे लोग मतलब इसे आना मतलब घूमना चाहे तो गंगा नदी में घूम सकते हैं इस बोट पे बैठ के। बहुत लोग वीडियो बनाते हैं, फोटो निकलवाते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे बोट बने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से अब हम पूजा करने के बाद यहाँ पे हम चलते हैं। और आप देख सकते हैं इसकी सीढ़ियों की ऊंचाई कितनी ऊंची ऊंची है, आते टाइम तो नहीं पता चला था लेकिन जब मैं जा रही थी ना, तो सच बताऊं तो जैसे लग रहा था कि मेरी सांसें एकदम बाहर निकला कि बच्चे और हस्बैंड जो है आगे चले गए थे लेकिन मैं पीछे पीछे आराम से जा रही थी, क्योंकि इतनी ऊंची ऊंची सीढ़ी थी ना, बहुत दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ हम लोग आ गए हैं अब मंदिर के बाहर फ्रेंड्स। तो यहाँ मैं कुछ चूड़ी और बिंदी प्रसाद ली और उसके बाद कंगन उंगन ले ली, क्योंकि यहाँ कंगन भी यहाँ भी बहुत ही अच्छे मिलते हैं और कम बजट में मिलते हैं। तो यहाँ अम्मा बोली थी कि पत्थर वाला खलबट्टा लेने के लिए, तो पत्थर वाला खलबट्टा भी हम लोग ले लिए क्योंकि उसमें अदरक उदरक बहुत अच्छे से कूटा जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से मैं सुहा का सामान लेते हुए अब चल रही हूँ और हस्बैंड आगे आगे, बच्चे भी आगे आगे, मैं पीछे पीछे वीडियो बनाते हुए चल रही हूँ आप लोगों को दिखाते हुए। कुछ भी मैं स्किप करने की कोशिश नहीं की हूँ, जितना भी मंदिर का ओवरव्यू है मैं सब कुछ आपको दिखाने की कोशिश की हूँ फ्रेंड्स। और आगे आप देख सकते हैं जो मंदिर के अंदर आने का जो मेन गेट है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से बनाया गया है माता रानी का ये जो मेन गेट है, आप देख सकते हैं। इसको कैसे बनाते हैं, इसको पलटेंगे, इसी में सेकाई सेकते भी है, इसी तरह से हो जाएगा। अच्छा अच्छा मेरे कारीगर का भी अरे इतना मोदी कहाँ फुर्सत में है कि मोदी आके वीडियो देख रहे हैं, आपका दुकान का ले ले रहे हैं ना। तो गाइस देखिए, यहाँ फाइनली हम लोग मंदिर से दर्शन करने के बाद आए हैं और यहाँ जो है सोचे कि चलो कुछ खाना खा लेते हैं क्योंकि अब आगे बढ़ने में काफी टाइम लगेगा। तो बच्चों को भी भूख लगी थी तो ये सोचा गया कि नाश्ता करने से बढ़िया है कि कुछ मतलब खाना अच्छे से खा लिया जाए ताकि कुछ टाइम के लिए मतलब पूरे दिन के लिए फुर्सत हो जाए, बीच में हम लोग कुछ ठंडा उंडा ले लेंगे। तो अभी यहाँ से भी एक जगह और जाना है, तो आगे वाले ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ देखिए हम लोग सिंपल थाली मंगवाए हैं, फ्राई दाल है और तीन सब्जियां थी और जीरा राइस था, नान रोटी था, सलाद अचार यही सब था, पापड़ उपड़। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से पहले हम लोग खा लेते हैं। और यहाँ आपको मंदिर के बगल में ही आप लोग जब आएंगे ना, तो काफी सारे मतलब रेस्टोरेंट टाइप के आप लोगों को खाने के लिए मिल जाएगा खाना, तो टेस्टी खाना भी होता है। तो यहाँ से अब हम लोग खा पी के
निकल गए हैं और अब हम चलते हैं। तो ये देखिए पुराना मार्केट है, जब मंदिर में अब आप आएंगे ना मिर्जापुर से, तो कहीं से भी आएंगे तो यही पुराना मतलब कि रास्ता है आने जाने का। तो अभी हम लोगों को सीतामढ़ी भी जाना है, तो आगे वाले ब्लॉग में आप लोगों को मैं दिखाऊंगी फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस अब हम लोग दर्शन करके और खाना खा के अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं विंध्याचल से, और अब हम लोग जा रहे हैं मतलब अभी रास्ते में सीतामढ़ी पड़ने वाला है। तो आगे का ब्लॉग मैं सीतामढ़ी का लाऊंगी आप लोगों के लिए। तो आज का ये वाला मतलब विंध्याचल मैया कहीं बोलो जय माता दी बोलो। तो कैसा लगा मंदिर पहले ये बताओ? कैसा मंदिर? मंदिर जैसे पहले की अपेक्षा, पहले भी जो आए थे बहुत बढ़िया। चौबे भैया बहुत सुंदर, अब अच्छा बन गया है ना मंदिर? हाँ हाँ, काम तो हो रहा है मोदी जी के राज में, ये तो काम बहुत अच्छा हुआ है कि हर जगह का मंदिर उन्दिर बहुत अच्छे से बनवा दिए हैं योगी मोदी जी। तो चलिए गाइस आज का ब्लॉग मैं एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये मंदिर और हमारा आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में सीतामढ़ी के ब्लॉग में, जो कि बहुत ही प्यारा बहुत ही अच्छा मंदिर है। तो उसके लिए आप लोगों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई ब्लॉग अपलोड करूँ तो आपके फ़ोन में सबसे पहले पहुँचे और आप सीतामढ़ी का मतलब कि मंदिर का भी दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ, तो मिलती हूँ किसी ऐसे ही प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव। राधे राधे।